हम केदारनाथ जी के पीछे मंदिर के पीछे खड़े हैं। ये हमारी अधांगी की मनपुरी है और ये जो बड़ी सी जो शिला आप देख रहे हैं, आप देखना चाहिए बड़ी सी जो शिला है, इसी ने मंदिर के मुख्य द्वार को केदारनाथ जी के मंदिर को रोका था इस बड़ी शिला ने। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा तो सरोवर की जो धारा आई थी वो सामने है, गांधी सरोवर जिसे गांधी सरोवर कहा गया है, ये सामने गांधी सरोवर है ये, और यहीं से ज़्यादा फ्लड आया था और सारा ये विनाश लीला हुई थी। महादेव ने त्रिनेत्र खोला, ना जाने कितने लोगों का जान गया, कितने लोगों की जल समाधि हुई, इसका हम कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को दिवंगत आत्मा को शांति मिले, दिल से हम यही प्रार्थना करते हैं। आज सिमरन और हमें बाबा केदारनाथ ने बुलाया है बाबा जी के चरणों में। अभी हमने मंदिर की पूजा करी है, ज्योतिर्लिंग की पूजा करी है, पंडित जी ने हमें पूजा करवाई है। ये वैली है, पीछे आप देख सकते हैं बर्फ के पहाड़ हैं, आपको मोबाइल में दूर दिख रहा होगा, बिल्कुल हम बुजुर्ग अपोजिट खड़े हैं, बिल्कुल पास में खड़े हैं। और ये साधु संत हैं, नागा बाबा हैं, ये सब बैठे हुए हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। सर मैं आपको ये बताना जरूर चाहूँगा सर, यहाँ पे बहुत अच्छा, उन्होंने 5 साल के अंदर बहुत प्रोग्रेस करी है गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट ने, और बहुत ही अच्छा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किए हैं मंदिर में। और इस केदार वैली के अंदर अभी थोड़ी देर पहले वर्षा हो रही थी, हम घोड़े पे थे और सिमरनपुरी सिमरन जी घोड़े पे थी और इनके कपड़े भी भीग चुके हैं, मेरे भी कपड़े भीग चुके हैं, मात्र मैंने एक टी शर्ट पहनी है और कुछ नहीं पहना मैंने, और बर्फ़ है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। सिमरन हमारी जरा हंस के दिखा दीजिए, सामने देखिए, ये देखिए हंस रही है सती जीजा जी, आपकी सिमरन जी को हमने, आपकी जो बहू है सिमरनपुरी, हमने उसको कहीं दिक्कत नहीं आने दी है। हाँ थोड़ी बारिश हुई है, बेचारी भीग गई है, हम भी भीगे हैं। रीता दीदी को प्रणाम, सती जीजा जी को प्रणाम, और केदारनाथ में हम आपकी दोनों की अर्जी लगा रहे हैं, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, आपके बच्चे अक्षय की शादी जल्दी हो, भगवान उसको अच्छी सुंदर बहू दे, आपके घर में सुख शांति रहे। हे केदारनाथ महाराज, सचिन का भी कारोबार में वृद्धि करना, उसके दुख दूर करना, हे भोलेनाथ सबके दुख दूर करना, मेरी वीनू दीदी का भी घर में सुख शांति रखना, उनके जल्द से जल्द कर्ज उतरे, और गांधीनगर वाले श्री अशोक अरोड़ा जी की बहू ईशु को जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ संतान दें। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, केदार घाटी के खड़े होकर के आता हूँ कि अक्षय का विवाह जल्द से जल्द हो, उसको अच्छी बहू मिले और सती जिया जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, रीटा जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। हे भोलेनाथ केदारनाथ सबकी विनती सुनना। ये ललितपुरी बोल रहा है, और बाबा जी थोड़ी सी बात और है, बाबा जी थोड़ी सी बात और है, हम आप एक बात कहना चाहते हैं कि बाबा जी हमको हर बार बुलाइएगा, और पशुपतिनाथ के हम दर्शन करके आए, आपने दर्शन दिए, आपने हम दोनों को बुलाया, हे भोलेनाथ अपनी कृपा असीम कृपा बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। और आप देख सकते हैं कि जोड़ों से मंदिर का काम चल रहा है, रास्ता मार्ग का काम चल रहा है, यूके गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है, और ITC के जवान बहुत मदद कर रहे हैं पब्लिक को, और गर्म पानी भी पिला रहे हैं, और बहुत अच्छी सुविधा, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने, व्यवस्था बहुत अच्छी बना दी है इस मंदिर की। हम आपसे जरूर कहेंगे कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस यात्रा के अंदर, इस यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ है, हाँ थोड़ा बारिश का जरूर होता है, वेदर जरूर होता है, अलर्ट मैसेज चल रहा है कि यहाँ पे बारिश तूफान जबरदस्त आएंगे, लेकिन जब भोले की इच्छा थी हम आए, और आपसे प्रार्थना है कि आप भी का जरूर आना, महादेव के दर्शन जरूर करना। मैं अब एक बात फिर दिखाना चाहूँगा, जो 2013 में जो फ्लड आया था, इस मंदिर को बचाने के लिए ये जो बड़ी सी जो शिला देख रहे हैं, ये इसी शिला ने मंदिर के प्रांगण को बचाया था और मंदिर जी को भी बचाया था। हम देख करके बड़े भावुक हो रहे हैं। जब मैंने कुछ थोड़ी देर पहले कुछ घोड़ों वालों से बात करी थी तो उन्होंने अपना दुख दर्द बताया कि हमारी मासी के, हमारी बहन के भतीजे ये सब बह गए, बड़ा दुख होता है उस, मैं जान सकता हूँ ये सब, मैं भी समझ रहा हूँ कि मैं, हम दोनों पति पत्नी इस मंदिर के द्वार पर खड़े हैं, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं, दर्द हम समझते हैं कि इन्होंने बच्चों को खोया, दर्द है फिर। और ये शिव शंभु हैं, केदारनाथ जी महाराज बैठे हैं, सबकी रक्षा करते हैं और करेंगे। हे भोलेनाथ, हे मेरे केदारनाथ, सबकी रक्षा करना, सबकी विनती सुनना। हे भोलेनाथ, सारों के घर में खुशियाँ देना, सबके घर में बरकत देना, मंदिर के सभी भक्तों की फरियाद सुनना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय भोले बाबा। हे केदारनाथ के स्वामी, हे त्रिलोक के स्वामी, हे जटाधारी।
हे गंगदारी, हे भोलेनाथ। कुछ मंदिर के भक्तों के नाम ले रहा हूँ और उनकी अरदास ये है, विनु सचदेवा, दिनेश सचदेवा, रोहित सचदेवा, गुंजन सचदेवा और श्री सतीश अरोड़ा, गीता अरोड़ा, अक्षय अरोड़ा। हे बाबा, हे बाबा, अक्षय अरोड़ा है, हे बाबा, सचिन अरोड़ा, माधवी अरोड़ा, माधवी अरोड़ा, यश अरोड़ा, श्री गुरुमुख दास अरोड़ा, श्री आशा अरोड़ा। हे बाबा, और भी मंदिर के भक्त हैं तुम्हारे, बहुत सारे भक्त हैं, रश्मि बंसल, श्री जय प्रकाश बंसल, उनके बच्चों की रक्षा करनी है महाराज। हे बाबा केदारनाथ, उनके भी बच्चों की रक्षा करनी है। हे ओम श्री ओम बंसल, ओम प्रकाश बंसल, ओम प्रकाश बंसल जी का भी करना है, ओम प्रकाश, ओम जी बंसल, पूरा नाम नहीं माता समझ चाहता ओम जी, लेकिन आपके भी अर्जी लगा रहा हूँ केदारनाथ पे कि आपको जरूर बुलाएं और आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में सारी खुशियाँ दें, ये दिल से प्रार्थना है। और हमारी जो बहन है अंकिता जीजा जी हमारे गोपाल जी, गोपाल जी का सब गोपाल जी का साथ बिल्कुल दिख रहे, शरीर रक्षा करना, साथी रक्षा, मान देना, सम्मान देना, पत्रिका जनक गौरव देना, शक्तिमान बनाए रखना। नेपाल में सभी भक्तों पवन बंसल जी को भी प्रणाम, केदारनाथ स्वामी जी इनकी इच्छा जरूर पूरी करना। और हमारी जो भाभी हैं उनके भाई की भी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए पवन जी के साले की, ये केदारनाथ घाटी पे बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और भी हैं श्री, बहुत मंदिर के लोग हैं, कुछ अभी वक्त में नाम याद नहीं आ रहे, आई एम, मैं क्या बताऊँगा आपको, बहुत दुख हो रहा हूँ, थोड़ा बता नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कुछ याद, नाम याद आ रहे हैं मेरे को, थोड़े से छोटे छोटे नाम याद आ रहे हैं, जैसे चंद्रपाल, चंद्रपाल भैया, श्री पप्पू, पप्पू चौक, पप्पू चौक, अरुण कुमार, अरुण कुमार, रजनी भाभी, श्री विशाल, विशाल कटारिया, पूजा कटारिया, वीना कटारिया और कृष्णा कटारिया, दीपक कटारिया, वरुण कटारिया, पल्लवी कटारिया, रजनी कटारिया, श्री अश्विनी मेहता, श्री रेखा मेहता, पुत्र श्री सौरभ मेहता, प्रिया मेहता, प्रिया मेहता और प्रिया के राघव बलराम, और राघव बलराम महेंद्रू और श्री अमित महेंद्रू, अमित महेंद्रू, इन सब की पुकार सुनना भाई बाबा केदारनाथ, इनकी सबकी पुकार सुनना, ये लड़की दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर के सभी भक्तों की सुनना, किसी को निराश ना करना और जितने भी लोग हैं सबकी मनोकामना है। हे बाबा, मुझसे या मेरे बच्चों से या मेरी बीवी से मुझसे कोई गलती हो तो हमारे अपराध क्षमा करना और सबकी फरियाद सुनना। जय बाबा केदारनाथ।